लखपति भिखारी। जी हाँ, एक ऐसे लखपति भिखारी का पोल खुला है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुंबई में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई और जब उसकी शिनाख्त की गई तो पता चला कि वो भिखारी है। भिखारी की झोपड़ी से पुलिस को लाखों की दौलत मिली है। इसमें 1.77 लाख रुपए के सिक्के और 8.77 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। मुंबई के गोवंडी रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिखारी की झोपड़ी में जब पुलिस पहुंची तो स्तब्ध रह गई। 4 बैगों में इतने सिक्के भरे थे कि पुलिस वाले रात भर गिनते रह गए। भिखारी की झोपड़ी में 8.77 लाख रुपए की FD के पेपर्स भी बरामद हुए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हम बात कर रहे हैं, जहां पर की गोवंडी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक भिखारी की मौत होने के बाद एक ऐसा राज खुला जिसे जानकर आप सभी अब तक हैरान हो चुके होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि रेलवे पुलिस ने भिखारी की पहचान 82 साल के बीरबी चंद आजाद के रूप में की है। बीरबी चंद आजाद बहुत समय से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। पुलिस इस भिखारी के घर पहुंची तो उसे 1.77 लाख रुपए के सिक्के और 8.77 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के पेपर्स बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनवा रखा था। भिखारी की झोपड़ी में इतनी दौलत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। 4 बैगों में भरकर रखे गए सिक्कों को गिनने में भी पुलिस को 6 घंटे लगे। सीनियर इंस्पेक्टर नंद कुमार सास्ते ने हमारे तमाम जो हमारी टीम है Next9 की, उनको बताया कि झुग्गी वाले इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पास कितने पैसे हैं। उनके कुछ कागजों में उनके घर का पता राजस्थान का भी बताया गया है और जिस भिखारी की मौत हुई है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये भी राजस्थान का है, वो मुंबई में अकेला ही रहा करता था। शुक्रवार को हुए एक हादसे के बाद झोपड़ी में दर्जन भर पुलिस वालों की टीम पहुंची और आजाद की संपत्ति से जुड़ी कार्रवाई को रविवार तक पूरी कर पाई। 10x10 की इस छोटी सी झोपड़ी में लाखों की दौलत देख पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर सास्ते ने कहा कि हमने शनिवार रात को सिक्के गिनने शुरू किए और रविवार सुबह तक गिनते रहे। पूरे कमरे में बहुत सारे कागज पड़े थे जिसमें 8.77 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स भी थे। हमने राजस्थान पुलिस को बीरभी चंद आजाद के बारे में सूचना दी। जानकारी के मुताबिक आजाद गोवंडी में कई साल से रहता था। वो हार्वर्ड लाइन के रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगता था। झुग्गियों में रहने वाले एक फेरी वाले ने बताया कि आजाद कहता था कि वो अपने बच्चों के लिए ही मुंबई में रहकर भीख मांगता है। बाकी झुग्गियों में रहने वाले कई दूसरे भिखारियों का कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि आजाद के पास इतने पैसे हैं। आश्चर्य है कि यहाँ के कानून व्यवस्था भी इस चीज को जानकर हैरान हो गई है। Next9 लाइव में आज आप इस तरीके से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जीवन में लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, तो मुंबई में ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी तरीके की ये तस्वीरें पेश करती हुई नजर आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई किस हद तक गिरकर काम कर सकता है और काम कोई छोटा नहीं होता। काम बस काम होता है, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। Next9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।